बार अगर देखा जाए चुनाव में तमाम ऐसे मुद्दे हैं लेकर के नेता घर घर पे पहुंच रहे हैं, ऐसा आपने क्या विकास का काम किया कि इस बार भी जनता आपको मौका दे? हम तीन टर्म से हमारे प्रभाग के पार्षद रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी काम किया, इसलिए हम पार्षद हैं और पार्षद होने के नाते हम अच्छा काम किए, इसलिए बीजेपी ने हम पे विश्वास जता के, विश्वास दिला के हमको ये जो विधानसभा है, विधान क्षेत्र का उम्मीदवार हमको बनाया है। और मैंने 2 साल से काम शुरू किया है, मतदार संघ में कहीं भी कुछ भी काम नहीं हुआ है, तो मैं ये काम करने के लिए आया हूँ। महाराष्ट्र में हमारे 100% सरकार आ रही है, हम पूरी व्यवस्था करेंगे जनता के लिए, पूरे जनता को न्याय दिलाने की व्यवस्था करेंगे। हमारे शहर की महिला दिन में हो या रात में, अकेले कहीं भी जा सकती, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, कोई हफ्तेदारी नहीं चलेगी। यहाँ पे सब महिलाएं हमारे खुलेआम घूमेगी, महिलाओं के कोई अत्याचार अन्याय नहीं होगा। देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, जहाँ जहाँ महाराष्ट्र में उनकी सभाएं हो रही है, डे टू डे उनका रिकॉर्ड टूट रहा है। और मोदी जी पे प्रेम करने वाले हिंदुस्तान में काफी लोग हैं, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं। लोग भी कह रहे हैं हमारे में भी भीड़ हो रही है, तो क्या भीड़ मतदान में तब्दील हो पाएगी वोट बैंक में? 100% होगी। लोग मुझे बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे चलते चलते, अगर विकास के मुद्दे की आपने बात किया, विकास करेंगे, लेकिन अगर बात करें लगातार जिस तरीके से पार्टी आपके ऊपर विश्वास दिलाते आई है और कार्यकर्ता आपके साथ हैं, क्या जीतने के बाद क्या ऐसा एजेंडा आपका रहेगा जिससे आगे भी आपको जनता मौका दे? देखिए, इस क्षेत्र में काफ़ी लोगों को बेकारी है, नौकरी नहीं है। हम महानगर पालिका बनाने वाले अलग से, जिसमें 5,000 नौकरी हमें पहले 6 महीने में जनरेट करने वाले और लोगों को देने वाले।